नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम आलोक पर। आपने हमें विश्वास है कि सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किया तो आपसे अनुरोध है, हाँ जोड़ के अनुरोध है, कृपया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसके अधिकारी हैं। हम आपको ठग लूट फालतू की बात की लाइए हम काम करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम तो कहते हैं, हम बता रहे हैं, आप कीजिए, आप स्वयं सफल होंगे। दिल लगा के एकाग्रता से अपने गुरु को साथ लेके ईश्वर को मन में रख के चलिए, आप सफल होंगे, भरोसा कीजिए। अभी अनुरोध आए कि प्रेत भगाने के उपाय बता दीजिए, यदि आपके बाकी अनुरोध समाप्त हो गए तो। दोस्तों, अनुरोध कभी समाप्त नहीं होते, आपके बहुत से अनुरोध आते ही रहते हैं। हाँ, हम अपनी प्राथमिकता के हिसाब से जो हमें लगता है जन साधारण के लिए कौन सी चीज ज्यादा उपयोगी वो बताते रहते हैं। प्रेत भगाने का उपाय चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति प्रेत ग्रस्त है तो उसका नाम भोज पत्र पर लिखिए और इस भोज पत्र को फिर ताबीज की तरह रोल करके उसके बाएं हाथ पे बांध के गायत्री मंत्र का 101 बार जाप करें और साथ में उस व्यक्ति के ऊपर गंगा जल के छींटे दें। ध्यान रखिए, गंगा की सहायक नदी नहीं, मुख्य गंगा नदी जहां भी हो, जिस शहर की भी, लेकिन गंगा जल के छींटे दें। ऐसा करने से न केवल प्रेत बाधा दूर होती है, बल्कि जो यदि अविचार का रोग है कि व्यक्ति रोगी सा बना रहता है तो उससे भी बचा। एक और उपाय है, पीपल की छाल लाएं, उसे जल में भिगो दें और 7 दिन के लिए छोड़ दें। फिर 7वें दिन उसे छान लें, उस पानी को छान लें और उसमें प्रेत भूमि मतलब शमशान भूमि या कब्रिस्तान की भूमि, उसकी मिट्टी मिलाकर एक पेस्ट बना लें, लुगदी कह दीजिए, उसे बना लें। फिर उस लुगदी को चांदी के पात्र में, चांदी के किसी बर्तन में रखकर, बर्तन इतना बड़ा हो कि उस व्यक्ति के दोनों पैर उसमें आ जाए, तो पूरी मिट्टी उसमें पंजीरी की तरह बिछा दीजिए और उसके दोनों पैरों के निशान उसमें ले लीजिए, उस व्यक्ति के जो प्रेतग्रस्त है। मित्रों, ये थोड़ा खर्चीला उपाय है, लेकिन हाँ बहुत बहुत ज्यादा प्रभावी है। उसके बाद आपको क्या करना है, निशान लेने के बाद उस थाली को उस मिट्टी सहित आप एक पुराने कुएं में, चाहे वो सूखा हो चाहे गीला हो, उसे कोई फर्क नहीं, आप उसमें फेंका, तो ये प्रेत भगाने का बहुत सही उपाय है। थाली थोड़ी हल्की बनवा लें, आज के समय में चांदी की थाली बनवाना कोई सस्ता काम नहीं, लेकिन प्रेत आपके ऊपर रहता है या किसी व्यक्ति के ऊपर है तो वो और उसे महंगा पड़ेगा, बजाय इस उपाय के। तो ऐसा करके देख, यदि उस थाली को किसी और ने उठाया तो वो फिर उस प्रेत से खुद ग्रस्त हो जाएगा, तो उसके लिए खतरा है, आप निश्चिंत हैं। और फिर मिलेंगे इसी चैनल वालों पर ऐसे ही कुछ नए उपायों के साथ। नमस्कार।